कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का रोना केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ऐसा रोया कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। हर दिन केजरीवाल हाथ जोड़कर टीवी चैनल्स पर नमूदार हुआ करते थे और दिल्ली की सांस बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाया करते थे, लेकिन अब पता चला कि केजरीवाल ये सब सियासत चमकाने के लिए करते रहे, जबकि केजरीवाल की इस घटिया और छिछोरी सियासत की वजह से 12 राज्यों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। केजरीवाल के इस घटिया खेल पर से पर्दा सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन आवंटित टीम ने उठाया। केजरीवाल के इस घटिया खेल से पर्दा सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने उठाया। ऑडिट टीम ने ऐसे खुलासे किए जिसकी वजह से केजरीवाल अब कटघरे में खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई थी, तब दिल्ली सरकार ने जरूरत के 4 गुना ऑक्सीजन की मांग कर दी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर देने वाली बात बताई। दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन के संकट का सामना करना पड़ा। ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई इस रिपोर्ट में कहा कि भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है। बेड कैपेसिटी के आधार पर तय फार्मूले के मुताबिक दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से करीब 4 गुना ज्यादा है। समिति की इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक महकमे में खलबली मच गई। उधर सोशल मीडिया ट्विटर पर भी लोग केजरीवाल सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO ने सुप्रीम कोर्ट की गठित टीम को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन था, जिसने दूसरे राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की सप्लाई प्रभावित की। उसने कहा कि अगर दिल्ली की मांग पूरी की जाती रही होती तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन संकट पैदा हो जाता। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑक्सीजन संकट पर हो हल्ला मचाने के लिए 5 मई को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उसने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली को 414 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तब दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश तो दिया, लेकिन साथ में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में एक टीम भी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टीम से ये पता करने को कहा कि मुंबई में जब दूसरी लहर की कोविड महामारी पीक पर थी, तब सिर्फ 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। उस वक्त मुंबई में 95,000 कोविड मरीज थे। ऐसे में दिल्ली को पीक टाइम में 95,000 मरीज के लिए 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत कैसे पड़ गई? रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।